बच्चों आज आप लोग बताइए, आज हम किस टॉपिक पे आप लोग को पढ़ाए। सर आपके पढ़ाने से पहले एक बात पूछे हम। सर मोनिका मैम आपसे कैसे मैरिज कर ली, इस बारे में बताइए तो। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, हमसे कैसे शादी कर ली, यानी हम में कोई कमी है? नहीं नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, आप में कोई कमी नहीं है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि मोनिका मैम इतनी खूबसूरत है, वो आपको कैसे पसंद कर ली। अरे तो घुमा फिरा के तो तुम हमको बदसूरत ही बोल रहे हो ना, और ऐसा वाहियात सवाल तुम ही कर सकते हो क्लास में, और कोई नहीं कर सकता है। और चलो सवाल किए हो तो तुमको बता देते हैं कि प्रपोज हम मोनिका मैम को नहीं किए थे, मोनिका मैम हमको प्रपोज की थी। हम इमलीपुर गए थे, मॉल में घूम रहे थे, वहाँ मोनिका मैम भी आई थी मॉल में घूमने अपनी सहेली लोग के साथ। हम दोनों का नजर मिला और प्यार हो गया और हम लोग का शादी हो गया, लेकिन प्रपोज मोनिका मैम की थी हमको, हम नहीं। तो सर एक बात बताइए, जिस दिन मैम आपको प्रपोज की थी उस दिन मैम चश्मा पहनना भूल गई थी क्या? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैम को सही से दिखाई नहीं दिया इसीलिए हमको प्रपोज की? और तुमको बता दे मैम को चश्मा शादी के बाद लगा है, पहले नहीं। अरे नहीं नहीं सर, मैम की जो नजर है ना पहले ही से कमजोर होगी, वो तो बाद में पता चला होगा कि नजर कमजोर है तो चश्मा लगा ली होंगी शादी के बाद। काहे कि शादी के बाद तो आपको करीब से देखी होंगी ना, तो शायद उस समय उनको ये एहसास हुआ होगा कि जब हम प्रपोज किए थे तो शायद हमारा दूर का नजर कमजोर था, इसीलिए उसके बाद जब डॉक्टर को दिखाई होगी ना तो चश्मा लग गया होगा। लेकिन सर अब चश्मा लगाने का क्या फायदा, पहले चश्मा लगा लेती तो फायदा भी हो जाता, बल्कि अब तो फालतू का पैसा भी खर्चा हो गया। काहे कि चश्मा खरीदने से आप कुछ बदलेगा थोड़ी ना, जो हो गया सो हो गया। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, मोनिका मैम पछता रही हमसे शादी करके और हम बदसूरत दिखते हैं? सर आप गलत समझ रहे हैं, हमेशा गलत समझते हैं, कभी तो बच्चा का भावना समझा कीजिए कि मासूम सा बच्चा आखिर बोलना क्या चाह रहा है। एक बात बताइए, कहीं अगर दूध और चाय एक साथ पड़ा हो तो आदमी तो कहेगा ना कि दूध चाय से साफ लग रहा है, इसमें चाय को बुरा मानने जैसा क्या है, वो तो दूध का तारीफ कर रहा है। अब चाय का जैसा हाल है उसमें क्या बुरा मानना, तो यही समझाना चाहते हैं सर कि हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो मोनिका मैम की तारीफ कर रहे हैं कि वो इतनी खूबसूरत है, आपसे कैसे शादी कर ली, आपसे कैसे पट गई, आप में ऐसा क्या देख ली? अरे काला कद्दू तुम अभी तो बोला कि मैम उस समय चश्मा नहीं पहनी थी तो साफ साफ दिखाई नहीं दिया होगा तभी ना पट गई, मास्टर जी को देख लेती तो तुमको लगता है पट जाती मैम? अरे क्या बकवास कर रहा है तुम दोनों, क्लास में खाली फालतू बकवास करने आता है तुम लोग, तुम्हारा क्वेश्चन ही हमको नहीं सुनना चाहिए था काला का लूठा। अच्छा सर इसका सवाल को छोड़िए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा सर ये बताइए, आप बोले कि आप दोनों का नजर मिला और आप दोनों को प्यार हो गया, तो सर हम कहना ये चाहते हैं, पूछना ये चाहते हैं कि अब शादी के बाद मोनिका मैम आपसे नजर मिला पाती है? अरे चुप रहो तुम, लेकिन एक बात तुम सही बोले, वो क्या हमसे नजर मिलाएगी, शादी के बाद तो हम अपना नजर में खुद गिर गए हैं, हमको लगता है हम बहुत बड़ा गलती कर दी उससे शादी करके। सर ये लाइन आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, मोनिका मैम बोली होती तो अच्छा भी लगता। बकवास बंद करो तुम लफुआ कहीं का, एक तो मेरी बेटी पे डोरा डालता है और जब हम अपनी बेटी के ऊपर डोरा डालने से मना किए तुमको तो मेरी पत्नी पे डोरा डालता है तुम। अरे सर हम डोरा कहाँ डाल रहे हैं, क्या नाप से नाप बोल रहे हैं, बच्चा पे आरोप नहीं लगाइए आप, हम शरीफ घर का बच्चा है। हाँ वो तो तुम्हारा सराफत दिख रहा है ना हमको, एक नंबर का निहायती आवारा और लफंगा लड़का है तुम गोरा कद्दू और काला कद्दू दोनों लफंगा एक नंबर का, खाली उल्टा सीधा बकवास करता है क्लास में। और ये देखो टकलू को, ये कितना आराम से बैठा रहता है, कह रहे टकलू तुम पढ़ाई में होशियार लगता है, तुमसे हम एक क्वेश्चन पूछेंगे फिर बाकी क्लास हम कल करेंगे। तो बताओ बेटा टकलू आज किस टॉपिक पे पढ़ना चाहोगे तुम? सर यही टॉपिक जिस पे आप लोग डिस्कस कर रहे थे ना, वो तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसी पे बात कीजिए, कंटिन्यू रखिए, हमको बहुत मजा आ रहा है। अरे तुमको मजा आ रहा है गंदा बात सुनने में, आजकल का बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई और अच्छी बातों में मजा नहीं आता है, खाली गंदगी में मजा आता है। सर यहाँ पे तो आपका और मैडम का बात चल रहा था, यानी कि आप कोई गंदा काम किए तभी ना आप उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे हैं। काहे कि सर अगर आप अच्छा काम किए होते तो आप उस पे कंटिन्यू बात करते ना, लेकिन आप ही बोल रहे हैं कि ये गंदा बात है, गंदा बात पे इंटरेस्ट क्यों लेते हो, यानी आप लोग शादी करके गलती की है? अरे वो तो हम किए हैं गलती, लेकिन तुम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आए हो कि मेरा पर्सनल मैटर सुनने आए हो? सर आप भी तो हम लोग का पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते रहते हैं, कल क्यों नहीं आए थे, पढ़ाई किए थे कि नहीं किए थे, कहाँ गए थे, और जिस दिन कोई गलती होता है उस दिन हम लोग के पेरेंट्स को भी बुला लेते हैं, इतना पर्सनल चले जाते हैं आप, जो हम लोग को कभी कभी गलत पढ़ा देते हैं, तो हम लोग तो कभी मोनिका मैम को नहीं बुलाए कि मैम देखिए सर क्या पढ़ा रहे हैं, और जैसा अभी आप बोले कि हम मोनिका मैम से शादी करके पछता रहे, तो हम लोग ऐसा तो है नहीं कि मैम को जाके बोलेंगे कि सर शादी करके पछता रहे आपसे। अरे तुम बच्चा है, खाली देखने में बच्चा लगता है, तुम तो इस दोनों से भी बड़ा वाला निकला, देखने में खाली मासूम जैसा लगता है,
अंदर से तो तुम पूरा लफंगा है, लफंगा। सर ये ठीक नहीं करे आप क्लास के सामने हमको लफंगा बोल के, हमारा बेइज्जती हो रहा है। और अगर हमारा बेइज्जती होगा तो मोनिका मैम को जाके बोल देंगे जो अभी आप मोनिका मैम के बारे में बोल रहे थे, फिर आप लोग के बीच में जो होगा उसका जिम्मेवारी आपका होगा। अरे धमका रहा है मास्टर को, धमका रहा है तुम पूरे क्लास में सबके सामने मास्टर को धमका रहा है। आज हम समझ गए हर मासूम दिखने वाला बच्चा शरीफ नहीं होता है। हमको नहीं पता था कि तुम इतना चालबाज हो। ये मत समझना कि हम तुम्हारा धमकी से डर गए हैं, लेकिन सुनो बताना नहीं मोनिका मैम को, नहीं तो उनका दिल दुख जाएगा ना। ऐसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे सर जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो टकलू को बता देने दीजिए मोनिका मैम को। कहे कि ऐसे भी सच को ज्यादा दिन छुपाना नहीं चाहिए। तुम अपना सच ना अपना पॉकेट में रखो, समझे? और सुनो टकलू, इसका चक्कर में नहीं पड़ना तुम। आज तो मजा आ गया काला कद्दू, जैसा सोच के आए थे वैसा ही हुआ। हम लोग तो प्लानिंग करके आए थे कि आज पढ़ाई नहीं करना है, सिर्फ टाइम पास करना है क्लास में। गोरा कद्दू एक बात बोले बुरा नहीं मानना, हम लोग के पापा इतना पैसा खर्चा करते हैं पढ़ाई के लिए और हम लोग क्या कर रहे हैं टाइम पास, ये सही नहीं है गोरा कद्दू। हाँ बेटा फिर की तो तुम ही लिया सबसे ज्यादा मास्टर जी का, हम लोग को ज्ञान दे रहा है। अपना ज्ञान अपने पास रखो और घर चलो, मस्ती करेंगे।